नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन भारत और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। बिहार में चुनाव की घोषणा हो चुकी है, 3 चरण में बिहार में मतदान होगा। जैसे ही चुनाव की घोषणा हुई, कटिहार के जिलाधिकारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, वहां के मतदाताओं की संख्या के बारे में बताया, बूथों की संख्या के बारे में बताया और चुनाव आयोग से उन्हें क्या दिशा निर्देश मिला है, सारी जानकारी उन्होंने अधिकारियों और पत्रकारों को दी। क्या कुछ कह रहे हैं कटिहार के जिलाधिकारी कंवल तनुज, ये आपको सुनाते हैं। अधिकरण के साथ कटिहार जिला में निर्वाचन संपन्न कराया जाएगा। कुल जेंडर रेशियो यानी महिला पुरुष लिंग अनुपात रेशियो जो कि 894 था फरवरी 2020 के अंतिम प्रकाशन में, वो बढ़ के 945 हो चुका है, जो कि अब तक की किसी भी वर्ष में की गई वृद्धि में सर्वाधिक है। कटिहार जिला अंतर्गत चुनाव की तैयारी बहुत पहले से हम लोगों ने प्रारंभ कर दी थी। चूंकि मतदान केंद्रों की संख्या में वृद्धि हुई है लगभग 1.5 गुना कोविड के निर्देशों के आलोक में, इसलिए कार्मिक योजना, कर्मियों की संख्या चूंकि बढ़ी है तो कार्मिक योजना हम लोग तैयार कर चुके हैं। वाहन की योजना पूरी तरह दुरुस्त है, ईवीएम पर्याप्त हमारे यहाँ पे उपलब्ध हैं और सभी ईवीएम का हम लोग फर्स्ट लेवल चेकिंग समय में करा चुके हैं। कोविड गाइडलाइंस को लेके यहाँ पे विशेषतः कोविड के लिए 7 कोषांगों का गठन किया गया है और सभी कोषांगों को विशेष रूप से एक चिन्हित दायित्व दिया गया है ताकि कोविड के परिपेक्ष में किसी प्रकार की लापरवाही ना हो सके। तो आपने सुना, ये थे कटिहार के जिलाधिकारी कंवल तनुज। आचार संहिता लागू हो गई है, उन्होंने सारी डिटेल, सारी जानकारी जो है पत्रकारों और अपने अधिकारियों के बीच रखी। चुनाव संहिता लागू हो चुकी है और अब अधिकारी जो है पूरे चुनावी मूड में आ चुके हैं। ऐसी तमाम खबरें हमारे पास जिलों से आ रही हैं, हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए नेशन भारत के साथ। नेशन भारत चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।